स्वागत है इंजी ऑन चैनल में। तो कैसे हो भाई लोग। इस टाइम पे जो सबसे ट्रेंड में जो गेम चल रहा है उसका नाम है पोकेमोन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल। आई नो आप लोग जानते होंगे, बट इस गेम को वही लोग इजीली, जी हाँ, इस गेम को वही लोग इजीली खेल सकते हैं जिसके पास निंटेंडो स्विच है और जिसकी प्राइस 30,000 के आसपास है, जो हम सब के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है और हमारे अब्बा नहीं मानेंगे। एग्जैक्टली। बट आज मैं आपको ऐसे तीन मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इस गेम को इजीली खेल सकते हो। जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप थोड़ा सा उसमें तिगड़म लगाना पड़ेगा आपको, इंडियन स्टाइल में कहा जाए तो जुगाड़। लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा। बट जो इस वीडियो पे सबसे पहले जेन्युइन कमेंट करेगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट सेकंड वाला या कोई सा भी स्पैम कमेंट मत करना, कोई जेन्युइन कमेंट सबसे पहले करेगा तो उसके रिप्लाई में मैं अपनी जो लिंक्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा और ऐसा मैं हर वीडियो में करूंगा। बात करते हैं तीसरे मेथड की और इस मेथड से आप इस गेम को ऑफलाइन खेल सकते हो। तीसरे मेथड के लिए आपके पास होना चाहिए पीसी या लैपटॉप। हाँ, कोई हाईएस्ट रिक्वायरमेंट वाला पीसी नहीं चाहिए, जिसके पास मतलब हाईएस्ट गेमिंग वाला पीसी इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। एक नॉर्मल सा पीसी या लैपटॉप चाहिए जिसमें यार गेम चल जाते हो। फिर आपको गूगल खोलना है या अपना कोई सा ब्राउज़र खोल लीजिए और वहाँ पे आपको सर्च करना है यूजू एमुलेटर। जी हाँ, अगर आपने इसका नाम नहीं सुना, क्यों नहीं सुना, सुनना चाहिए था ना। तो ये यूजू एमुलेटर, इसमें लगभग ऑल टोटल निंटेंडो के सारे गेम चलते हैं और ये आपको पूरा फ्री मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ मेथड बताऊँगा, बिकॉज यहाँ पे कॉपीराइट आने का इशू है निंटेंडो की तरफ से, तो यार मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको कमेंट में इसकी लिंक दे दूंगा। लेकिन मेथड क्या क्या है ये जान लो। तो सबसे पहले आपको यूजू इंस्टॉल करना है और यूजू की सेटअप फाइल को इंस्टॉल कर लेना है। फिर आपको जो आपका गेम है उसको डाउनलोड करना है, कौन से फॉर्मेट में, XCI और NSP फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको सिंपली गेम ऐड करना है, जैसे अगर आपने सिट्रा एमुलेटर के गेम खेले हैं लाइक पोकेमोन एक्स एंड पोकेमोन वाई, ये गेम खेले हैं तो उसी तरह ऐड करना है जिस तरह आप सिट्रा में करते हो। फिर आपको इसके अपडेट एंड पैच देखने हैं, तो आप जैसे सब चेक कर लोगे, चेक करने के बाद आप इस गेम को ओपन करके ईजिली खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं बता दूँ, आप कोई पायरेटेड गेम नहीं होगा इसमें, यूजू से अगर आप गेम खेलोगे तो एक ऑफिशियली वेबसाइट है, तो ट्रस्टेड वेबसाइट है, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं हम लोग दूसरे मेथड की। तो दूसरा मेथड भी हम लोग ऑफलाइन है, लेकिन इसमें भी हम लोगों को कुछ इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरे मेथड के लिए आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। मींस आपके पास एक 4GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज होना चाहिए और प्रोसेसर एटलीस्ट जो अभी लेटेस्ट हो मार्केट में वो होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं स्नैपड्रैगन इतना हाइयर वाला नहीं कह रहा हूँ, एटलीस्ट जो आपके बजट में और थोड़ा लेटेस्ट हो वो वाला प्रोसेसर इसमें लगा होना चाहिए। दूसरा, आपको एक XNS एमुलेटर चाहिए। जी हाँ, आपको एक XNS एमुलेटर चाहिए जो आपको अमेजोन पे इजीली मिल जाएगा 7,000 से 8,000 के बीच में। देखो, आप लोग इसको महंगा मत समझो, क्योंकि अगर हम लोग इसकी कंपेयर करें निंटेंडो स्विच से, तो यार निंटेंडो स्विच की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दिस, और इसमें अल्ट्रेटेड निंटेंडो के सारे गेम चल जाते हैं। और फिर आपको क्या डाउनलोड करना है, आपको डाउनलोड करना है XNS का APK, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर गेम की जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लीजिए, कन्फिगर फाइल को है उसको भी डाउनलोड करना है। ठीक, डाउनलोड करने के बाद आपको अपने ऐप में जाना है और उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक, फिर जो लोकेशन का है वहाँ पे आपको गेम को लोकेट करना है और उसकी जो कॉन्फिगर फाइल को है उसको भी आपको लोकेट कर लेना है। ध्यान आपको ये रखना है, इस गेम को चलाने से पहले आपको थोड़ी सी इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी और
आप इसमें, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इसमें लॉग इन कर लेना, ठीक, गेम चलाने से पहले लॉग इन कर लेना अगर आप एग एनएस खरीदने की सोच रहे हो। मेरे पास एग एनएस नहीं है तो मैं आपको इसका गेम प्ले नहीं दिखा सकता, बट आप अगर निंटेंडो स्विच लेने की सोच रहे हो तो एक बार इसको लेकर देखना, एग एनएस को। ये भी एक बहुत अच्छा एमुलेटर है। अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस बेटर है तो यार एक बार एग एनएस ले लो थोड़ा सा पैसा लगाकर। बात करें हम लोग फर्स्ट मेथड की, तो ये मेथड ऑनलाइन मेथड होने वाला है। जी हाँ, इसमें आपको इंटरनेट स्पीड अच्छी चाहिए। तो भाइयों, इसको किस तरह करना है, तो आप प्ले स्टोर में जाओगे, तो प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी जिसका नाम है surrogate.tv। जी हाँ, surrogate.tv। तो आपको ये देखने मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे इसको डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आपको गेम्स देखने मिल जाते हैं। सामने आपको दिख रहा है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल, बट इसमें यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है, जैसे ही इस एप्लीकेशन में आप जाते हो और इसको खेलने की कोशिश करते हो तो यहाँ आपको देखने मिलता है गेम प्लेबल ऑन PC एंड Mac ओनली। तो मुझे यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं मिला कि इसको किस तरह चलाया जाए, किस तरह खेला जाए, बट तो आप अपने ब्राउज़र में surrogate.tv surrogate.tv डालोगे तो ईजिली ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे जैसे आप होगे ओपन, जैसे कि आप ये वेबसाइट खोलेंगे तो पहले जैसे ही जो ऐप था उसके जैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ये गेम है जिस गेम की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो इस पे जैसे कि हम लोग क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे हम लोगों को वो ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ज्वाइन द क्यू टू प्ले का ऑप्शन यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है, जो कि उस ऐप में देखने नहीं मिल रहा था। वहाँ बोल रहा था कि PC और Mac के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि खोल लेते हैं, और जैसे कि आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी टर्न बताएगा कि किस प्ले कितने प्लेयर्स के बाद आपकी टर्न आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे खेल पाओगे। तो इसमें आप सिर्फ 60 सेकेंड ही खेल पाओगे। जी हाँ, सिर्फ 60 सेकेंड, बट बारी बारी खेल सकते हो। इसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगे कि आप इसमें चैट कर सकते हो, तो इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि आप इसमें जैसे कि वो किस लेवल पे था, वो जिस लेवल पे छूट गया तो आप उससे चैट कर सकते हो, तो उसके आगे क्या करना है थोड़ी सी हिंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई बेस्ट टाइमिंग क्या होगी अगर इस गेम को हम अच्छे से खेलना चाहते हैं, तो देखो बेस्ट टाइमिंग मेरे अकॉर्डिंगली जितना मैंने इस गेम को खेला है, मॉर्निंग एंड मिड नाइट। जी हाँ, मॉर्निंग में आप स्टार्टिंग में सुबह 5 बजे, जो कि अगर आप लोग उठ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मॉर्निंग में 5 से 6 या 6 से 7 के बीच आपको बहुत कम प्लेयर देखने मिलेंगे, और नाइट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 7 से 8 या 9 से 10 इस टाइम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लोग कम देखने मिलेंगे, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद। तो देखो टाइम एडजस्टमेंट खुद देख लेना यार, है ना। देखो अगर आप अभी तक लास्ट तक टिके हुए हो इस वीडियो में तो यार आपके लिए तो बोनस बनता है। देखो अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो ऑफलाइन, तो मैं कहूँगा आप खेल सकते हो विदाउट एनी एमुलेटर, बिना कोई पैसा लगाए हुए। बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी तिगड़म करनी होगी अगर आप कर सके तो, ठीक। वैसे अगर आप थोड़ी कोशिश करोगे तो कर लोगे, तो आप यहाँ पे वर्चुअल PC का यूज़ कर सकते हो अपने एंड्रॉयड में। तो अगर आप वर्चुअल PC का यूज़ कर लेते हो तो वही तीसरा मेथड बताया था उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे खेल सकते हो। बस थोड़ा थोड़ा नेट लगेगा, तो यार तिगड़म थोड़ा सा तगड़ा है, ये तिगड़म थोड़ा सा तगड़ा है, काफ़ी अच्छी लाइन हो गई। और तो अगर आपको और बोनस चाहिए, अगर आप और बोनस के लिए रुके हुए हो, तो मैंने 4 टाइप के सिट्रा को यूज़ करके मतलब गेम खेला है, और उसमें देखा है कौन सा सिट्रा बेस्ट है, और उसमें पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू की चलाने की भी कोशिश की है। तो अगर इसको जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो राइट वाली वीडियो में पोकेमॉन यूनाइट की अभी तक की बेस्ट वीडियो है।